हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिश्रा हेल्थी टिप्स में। मैं हूं डॉक्टर उमेश मिश्रा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डाइलोप्रॉट प्रोटीन पाउडर के बारे में। प्रोटीन बहुत ही आवश्यक होता है हमारी बॉडी की ग्रोथ और प्रॉपर फंक्शन के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा डाइलोप्रॉट प्रोटीन पाउडर के बारे में। इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि इस पाउडर को कैसे यूज किया जाता है, इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, किस तरह से आपके बॉडी पे वर्क करता है, इसकी डोज क्या होता है, किस तरह से इसको लिया जाता है तथा इसको लेने से आपकी बॉडी पे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, इन सब के बारे में मैं डिटेल से चर्चा करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको इसके बारे में सारी जानकारी पता चल सके। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पे क्लिक कर लें, क्योंकि इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियोज मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। दोस्तों, अगर डाइलोप्रॉट प्रोटीन पाउडर की बात करें तो इसको डायलस फार्मास्यूटिकल्स कंपनी जो होती है वो इसको मैन्युफैक्चर और सेल करती है। इसकी जो MRP होती है दोस्तों, 200 ग्राम की इसकी MRP होती है 199 रुपये, जो कि काफ़ी इकोनॉमिकल होती है। इसमें जो इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनमें प्रोटीन होता है, इसके अलावा सोडियम क्लोराइड, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, पोटेशियम, विटामिन, मल्टी विटामिन्स, बी कॉम्प्लेक्स की जो विटामिन्स होते हैं जैसे कि B1, B2, B6, इसके अलावा फोलिक एसिड, बायोटिन, क्रोमियम फास्फेट, कई तरह की जो विटामिन्स होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, फैट होते हैं, उन सबको मिला के इस प्रोटीन पाउडर को बनाया जाता है। साइंस ऐसा कहती है कि दोस्तों, जो एडल्ट बॉडी वेट होता है इंसान का, जितना उसकी बॉडी वेट होती है उतने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है हमारे बॉडी को पर डे। प्रोटीन को प्राप्त करने के जो सोर्स होते हैं उनमें जैसे दूध हो गया, दाल हो गया, हरी सब्जियां हो गई, रोटी, मक्का हो गया, इन सब चीज़ों में प्रोटीन मिलता है, जो कि आजकल की लाइफ स्टाइल्स में काफ़ी कम यूज किए जाते हैं। तो इस वजह से प्रोटीन की डिफिशियंसी होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करके हम अपने बॉडी को प्रोटीन की कमी से बचा सकते हैं तथा उससे होने वाले जो दिक्कतें होती हैं बॉडी पे प्रोटीन की कमी की वजह से, शरीर में जो डेवलपमेंट और फंक्शंस की डिफिशेंसी हो जाती है, उसको हम कम कर सकते हैं इस प्रोटीन पाउडर के माध्यम से। अगर इसको यूज करने के तरीके की बात करें तो दोस्तों, इसको यूज करने का तरीका ये है कि इसको दूध के साथ एट बेड टाइम 1 गिलास दूध में 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर मिला के पीना रहता है। इस तरह से इसको यूज किया जाता है। ये 200 ग्राम का होता है दोस्तों, काफ़ी इकोनॉमिकल होता है, इसमें कई तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, काफ़ी यूजफुल होता है ऐसे मरीज जो कि वीकनेस के शिकार हैं, किसी वजह से उनको कमज़ोरी फील हो रही है, इसके अलावा किसी लंबी बीमारी से ग्रसित हैं जिसकी वजह से उनको चक्कर या फिर वीकनेस की वजह से घबराहट जैसी समस्याएँ होती हैं, तो उन सब स्थिति में इस प्रोटीन पाउडर को इस्तेमाल कर सकते हैं और जो वीकनेस की समस्या है उसको ख़त्म कर सकते हैं। दूध के साथ लेने से इसका जो प्रभाव होता है वो और बढ़ जाता है। अगर कोई दूध के साथ इसको ना लेना चाहे तो इसको गुनगुने पानी में 1 चम्मच पाउडर डाल के गुनगुने पानी के साथ भी ले सकता है। कई तरह के इंग्रेडिएंट्स जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इसमें पाया जाता है, इससे कोई किसी को सीरियस साइड इफ़ेक्ट होता नहीं, क्योंकि एक न्यूट्रिशनल आइटम होता है, इसमें किसी तरह की कोई दवा मिली नहीं रहती है, तो इससे कोई साइड इफ़ेक्ट होता नहीं है। डायबिटीज के जो मरीज होते हैं वो इसको अपने डॉक्टर की सलाह पे ही लें, क्योंकि कई बार इसको लेने से शुगर बढ़ने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इसमें शुगर भी एडेड होता है, तो इसको लेने से पहले उन्हें अपने डॉक्टर्स की सलाह अवश्य लेनी चाहिए।
इसके अलावा कोई भी मरीज इस सिरप को ले सकता है, चाहे वो नॉर्मल पर्सन हो, फिट पर्सन हो, उसको कोई बीमारी ना हो, तब भी वो ले सकता है। अपने न्यूट्रिशनल वैल्यू को इम्प्रूव करने के लिए, प्रोटीन की आवश्यकता को सही करने के लिए, या फिर अगर कोई मरीज़ है जिसको कि वीकनेस की शिकायत है, या फिर कोई भी दिक्कत जिसकी वजह से उसको वीकनेस की शिकायत हो रही है, तो वो इस पाउडर को इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दवाइयों और स्वास्थ्य से संबंधित इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। मिलता हूँ दोस्तों किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।